हे गाइस, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैशन योर चेतना और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वेडिंग हल्दी मेकअप लुक। यू नो, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किसी की भी वेडिंग के अंदर हल्दी के फंक्शन में आप किस तरीके की ड्रेस पहन सकते हैं और उसके साथ में किस टाइप का मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रेस वियर करी है वो है आर्ट सिल्क की, जहाँ पर मैंने मार्केट से कपड़ा लेकर इस ड्रेस को स्टिच करवाया है। और इसके साथ में जो मैंने दुपट्टा लगाया है वो लहरिए का दुपट्टा है, जो आपको इजीली 100-200 में मार्केट में मिल जाता है। और उसके ऊपर मैंने लेस लगवाई है और आप देख सकते हैं मेरे कितनी प्यारी सी ड्रेस जो है वो रेडी हो चुकी है। यू नो, आप इस टाइप की ड्रेस मार्केट से परचेस करोगे तो आपको 2000-2500 के अप्रॉक्स मिलती है, बट लोकल मार्केट से या आपका कोई भी मार्केट हो वहाँ से कपड़ा लेकर आप स्टिच करवाते हो ये ड्रेस, तो आपकी आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ती है। अंडर 1500 और 1000 के अंदर आपकी ये ड्रेस रेडी हो जाती है। तो इस टाइप की ड्रेस जो है आप हल्दी के लिए पहन सकते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट करती है। और आप अगर उस ड्रेस के अंदर हाई नेक और एल्बो तक स्लीव्स स्टिच करवाते हो तो बहुत ही अच्छी ड्रेस आप लोगों के लिए रेडी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस ड्रेस के साथ में मैंने वियर करी है मोजड़ी, जो कि इस लुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रही है। आप देख सकते हैं, या आप कोई भी फ्लैट्स आप वियर कर सकते हैं। और उसी के साथ में मैंने अपनी ड्रेस को अच्छा लुक दिखाने के लिए वियर करे हैं बैंगल्स और फिंगर रिंग्स वियर करी है। आप चाहें तो आपके पास कोई भी किसी भी तरह की ज्वेलरी हो तो भी आप पहन सकते हैं। और अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करती हूँ। मेकअप स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ स्ट्रे कुर्की का प्राइमर, जो कि बहुत अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी आई के लुक को इवन कलर देने के लिए। यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का कंसीलर, जिसमें मेरा शेड है मीडियम। इस कंसीलर को मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई करके अच्छे से वेट ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी। यू नो, सबसे पहले मैं अपना आई शेडो का लुक तैयार करूँगी, आई शेडो अप्लाई करूँगी, तो इसलिए मुझे आई को इवन कलर देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्टली आई शेडो अप्लाई करते हैं तो उसका उतना अच्छा लुक नहीं आ पाता है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कैमलियन का आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैंने कलर जो पिक किया है वो है येलो कलर, और उसे अपनी आउटर वी यानी कि क्रीज पर अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एक ट्रांजिशन कलर क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको आउटर वी पर ब्लेंड करना है। उसके बाद में मैं सेम आई शेडो पैलेट में से एक ब्राउन कलर पिक करूँगी और उसे अपनी आई क्रीज पर येलो कलर के साथ में मिक्स करते हुए फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि ये दोनों कलर जो है मिक्स हो सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको दोनों कलर को ब्लेंड करना है आउटर वी की ओर, आपको इनर वी की ओर नहीं जाना है। ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में सेम पैलेट में से मैं पिक करूँगी पिंकिश टोन और पर्पल टोन का मिक्स आई शेडो, और उसे अपने आईलिड के आगे वाले हिस्से में यानी कि इनर वी की ओर अप्लाई करूँगी। मुझे आउटर वी की ओर अप्लाई नहीं करना, और आईलिड तक इस कलर को ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का ये लिक्विड आईलाइनर, जो कि डीप ब्लैक आईलाइनर है। मैं अपनी मोस्ट ऑफ वीडियोज़ में इसी आईलाइनर को यूज़ करती हूँ। ये मेरा फेवरेट आईलाइनर है, क्योंकि इसका ब्रश जो है बहुत ही पतला है तो अप्लाई करने में बहुत ईजी रहता है। तो मैं इस तरीके से एक राउंड आईलाइनर अप्लाई कर लूँगी। मैं यहाँ पे कोई विंग आईलाइनर क्रिएट नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी और उसे बॉल्ड कर लूँगी, और दूसरी आई पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ लॉरियल इनफैलिबल का 150 शेड एंड मेबलिन का 310 शेड, बिकॉज मेरा जो इनफैलिबल फाउंडेशन है 150, वो थोड़ा मुझे लाइट होता है। तो मैं इन दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके अच्छे से फेस पर अप्लाई करके वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को किस तरीके से यूज़ करते हैं उसका मेरा सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। फाउंडेशन को इस तरीके से
ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल मैट मैजिक कॉम्पैक्ट, उसे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एक फ्लॉलेस स्किन बनाने के लिए। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मास्टर पैलेट, जिसमें से मैं कॉन्टोर शेड को पिक करूँगी एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लूँगी। कॉन्टोरिंग के लिए मेरा सेपरेट वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो कॉन्टोरिंग जो है फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमारा फेस जो है बहुत ही स्लिम लगता है और फोटोग्राफ्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं अगर हम हमारे फेस की कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग और हाइलाइटिंग करते हैं। तो ये पार्ट जो है हमें मेकअप में कभी स्किप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अपने फोरहेड की, जॉ लाइन की और चिक बोन की कॉन्टोरिंग कर लूँगी एक कॉन्टोर ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद में मैं अपने नोज़ की भी कॉन्टोरिंग कर लूँगी। उसके बाद मैं सेम आई शेड, सेम पैलेट में से मैं यूज़ करूँगी ब्लश, और एक ब्लश ब्रश की हेल्प से जो है अपनी चीक पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी। इसका जो ब्लश है थोड़ा शिमरी टच देता है, जो कि किसी भी फंक्शन और फेस्टिवल सीजन के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप एक पैलेट ढूंढ रहे हो तो ये पैलेट आप ज़रूर परचेस करें। इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें मिल जाती है, हाइलाइटिंग मास्टर पैलेट जो है उसके अंदर आपको हाइलाइटिंग, ब्लश और कॉन्टोर तीनों चीज़ें आपको मिल जाती है, और एक रिजनेबल प्राइस है इसकी। उसके बाद मैं सेम पैलेट में से हाइलाइटिंग के लिए हाइलाइटर पिक करूँगी और उसे अपने फोरहेड और नोज़ की हाइलाइटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं ब्रश को पिक करते हुए हाइलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। इस तरीके से आपको फेस की हाइलाइटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैं मेबलिन की ड्यू शॉपर आईब्रो पेंसिल पिक करूँगी, और उसमें शेड जो है वो है ब्लैक है, और एक इसके पीछे जो स्मजर आता है उससे मैं अपने आईब्रो की, हेयर की एक्स्ट्रा गैप को फिल कर लूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे आप शेप देना चाहें वैसे बन जाता है। देन उसके बाद में मैं यूज़ करूँगी फेसेस का मैग्नेटाइज काजल, और उसे अपनी आईलिड के मिड तक इस काजल को अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं एक स्मजर की हेल्प से इस काजल को अच्छे से स्मज कर लूँगी। हमें काजल जो है ज़्यादा अप्लाई नहीं करके स्मज करता हुआ यूज़ करना चाहिए, उससे आई का लुक बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस तरीके से मैंने काजल को स्मज कर लिया है। उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट में से मैं ब्राउन कलर पिक करूँगी, और उसे सेम स्मजर की हेल्प से स्मज करते हुए अपने लोअर लैश लाइन पर उस ब्राउन कलर को लगा दूँगी, जिससे आई का लुक जो है थोड़ा अच्छा लगेगा। देन उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का ये जीजी का मस्कारा, जो कि एक बहुत अच्छा मस्कारा है। तो इसे अपनी लोअर लैश और अपर लैश पर इस मस्कारा को अप्लाई कर दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नायका की पाउच परफेक्ट कॉल मी रेड डार्लिंग 06। ये बहुत ही अच्छी ऑरेंजिश शेड की लिपस्टिक है, ये सेमी मैट लिपस्टिक है, तो आप इस लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हैं येलो ड्रेस के ऊपर। पिंक थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, आप चाहे तो पिंक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे यूज़ करी है कोरल ऑरेंज कलर की ये रेड कलर की लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छा लुक दिखा रही है मेरे फेस पर। तो इस टाइप की लिपस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा फाइनल लुक किस तरीके से आपको लग रहा है। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक से मेरे वीडियो वॉच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल पे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस टाइप की और भी लुक अगर आप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैंने अपने नेक के अंदर एक चोकर पहना है, जो कि इस हाई नेक कुर्ते के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुल लुक लगा रहा है, और आप जानते हैं कि इस टाइप के चोकर जो है अभी बहुत ट्रेंडी हैं। आप लोग विदाउट ईयरिंग भी अपने लुक को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि चोकर जो है ऑलरेडी मेकअप के साथ में और ड्रेस के साथ में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो हम इयररिंग ना पहने तो भी हमारा लुक जो है ब्यूटीफुल लगेगा। थैंक यू गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।